ममता बेटा तुम रो रही हो? नहीं नहीं मैं प्याज काट रही हूँ ना। बेटा मैंने दुनिया देखी है। अरे मुंतहा बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गई किचन में? अभी तो नाश्ते में बहुत देर है। ना आंटी वो आज ऑफिस में मीटिंग है ना तो जाके जरा मीटिंग की तैयारी करनी थी सचा से। तो चली जाती बेटा मैं खुद कर लेती। और वैसे तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये मुन्नी को भी अकल आ गई। नहीं नहीं उससे काम मत करा रहने थे मैं कर रही हूँ ना। अरे क्यों ना बोला करूँ उसे मैं। क्या हुआ मुंदा? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ क्यों क्या हुआ? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कैसा? बुझा बुझा सा परेशान। तुम रात भर सोई नहीं क्या? हाँ वो नींद नहीं आई बस। क्यों बेटा? अब तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो रहा है फिर नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? कभी कभी हो जाता है नींद नहीं आती। मुंतहा बेटा तुम रो रही हो? नहीं नहीं मैं प्याज काट रही हूँ ना। बेटा मैंने दुनिया देखी है इतना तो मुझे भी पता है। मुझे सच सच बताओ अगर अयान ने कुछ कहा है ना तो उसकी तो मैं ऐसी खबर लूंगी कि वो याद रखेगा। नहीं अयान ने कुछ नहीं कहा वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर? फिर तो मैंने ही कुछ किया होगा। क्यों भाभी तुम क्यों कुछ कहोगी? तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। तो फिर अम्मी को भी ये बात बता दे वरना अम्मी को लगेगा कि मैंने ही आपको कुछ कहा है। देखे ना कैसे घूर घूर के देख रही है मुझे। नहीं कहा आंटी उसने कुछ भी मैं ठीक हूँ प्याज काट रही हूँ। चलो भाभी की मदद करवाओ। जी अच्छा